ये हमारे बैठालाल बैठ गए, इधर हमारे नवाब भाई साहब, पापा जी एंड पल्टन वेट कर रहा किसी का, कोई तो आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, यहाँ से आने से पहले एक ग्लास गर्म पानी पी के आई हूँ और यहाँ से जाके गार्गल्स भी करूँगी। गर्म पानी मैं कंटिन्यू गर्म पानी पी रही हूँ, मैंने एक बार भी ठंडा पानी नहीं पिया, तब मेरी हालात है, बस एक बार ठीक हो जाए फिर बताऊँगी मैं इसे। मैं अभी फिर से जा रही हूँ उस बच्चे को देखने के लिए और मेरी हालत बहुत ख़राब है यार। मतलब मेरे को ना ऐसे फर्स्ट टाइम कोल्ड हुआ है, हमेशा कोल्ड हुआ है लेकिन कभी ऐसे ना कफ वगैरह नहीं बना। इस बार रोहन को मुझे दोनों को ही बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, और जब आपको पता है ना खांसी उठती है तो छाती कितनी ज़्यादा दुखती है, तो बुरा हाल हो रखा है। फिलहाल मैं इस बच्चे को रेस्क्यू में यार जल्दी से जल्दी करना चाह रही हूँ, वो मिल नहीं रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है। मतलब ऐसे हो रहा है कि टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा है भाई, जब और ज़्यादा लेट हो जाएगा और सीवियर हो जाएगा। ये देखो फाइनली बच्चा तो मिल गया, इसको एलर्जी देखो कितनी सीवियर है, ये देखो प्यारी की बड़ी बहन। और ये मैंने ऑटो वाले भैया को फोन किया, मैं तब तक यहीं पे खड़ी हूँ, फटाफट ऑटो लेके आएंगे हम इसको यहीं से रेस्क्यू कर लेंगे। अब देखो कल मैं इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ मैं आई थी, इसको रेस्क्यू करने तो मिला नहीं था, आज मैं ऐसे ही आ गई हूँ तो मिल गया है। तो अब ना मैं चाह रही थी कि मैं ग्लव्स वगैरह पहनूं, क्योंकि घर पे भी बच्चे हैं और जो इसकी एलर्जी है वो मुझे लग रही है कि वो मतलब वो लगने वाली होगी दूसरे बच्चों से। बहुत बुरा हाल है इसका, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ये देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है यार इसकी, रुक जा बेटा रुक, देख रहे हो वो ना पानी के लिए रखा हुआ है, जैसे हम लोग अपने घर के बाहर रखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें कि आप खाना तो दे देते हो पानी का क्या, तो पानी का सोर्स है जगह जगह पे। हम लोगों ने भी बर्तन रखे हुए हैं वो सीमेंट वाले, बाकी कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर रखे हुए हैं। अभी बस मैं ऑटो वाले भैया का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आते हैं यार इसकी तो हालत नहीं देखी जा रही। ये तेरा इसके तो बहुत ज्यादा ब्लड भी निकल रहा। हाँ। ले ले ये ले, हाँ पूरा मुंह इसका खराब हो गया। हाय आपका बुरा लगता है फिर, आप ही भी लग रहे भैया कह रहे हैं, पीछे एक हस्बैंड वाइफ है काम कर रहे थे लेबर है, कह रहे ये दोनों हस्बैंड वाइफ रात को एक क्वार्टर पेलते हैं। मैंने कहा आपको बुरा लगता है आप भी पेला करो, भाभी के साथ में आप ही पेल लिया करो। ये देखो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा बच्चे को रेस्ट दिया और रास्ते में जा रही है, हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है। और आज तो क्या हुआ कि जो ऑटो वाले भैया थे वो बोले कि मैडम नीचे बैठ जाओ, बच्चे ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए क्लिनिक, अब बस ठीक हो जाए यार ये जल्दी से, बहुत बुरा लग रहा है। मैं जस्ट अभी क्लिनिक से आई वापिस, उसको बिठाया और मेरे को ध्यान आया कि मैं व्लॉग बनाना भूल गई, अंदर मैंने जस्ट स्टोरी वाली वीडियो बनाई है, ड्रोन का वही मैनेज करनी पड़ेगी व्लॉग में। मेरे दिमाग से ही निकल गया कि व्लॉग की क्लिप्स भी बनानी थी। और एक टैबलेट है जो मुझे हाफ देनी है इसको डेली, तो एक दिन में एक चक्कर लगेगा इसके पास, टैबलेट दूंगी हाफ, लोशन लगाऊंगी और अभी निकलते हैं घर के। अभी मैं ना जाते हुए ऊपर बैठ गई, तो आते हुए नीचे बैठ गई, मेरे बोला था कि नीचे बैठ जाओ इसकी हालत देख के। तो नीचे मतलब ई रिक्शा में आपको पता है कितने झटके लगते हैं, तो नीचे बैठ के और ज़्यादा लगते हैं। तो भैया को शायद ये चीज़ फील हुई होगी, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मैं आपको पैसे दे रही हूँ। इवन जब मतलब डॉग लेके जाती हूँ तो मैं एक सवारी से ज़्यादा पैसे देती हूँ कि वो डॉग लेके जाती है, तो मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो वापस में आते हुए बोले कि बैठ जाओ आप, ऊपर नीचे झटके ज़्यादा लगते हैं। हमने ये बच्चे को ना यहाँ से पिक किया था और यहीं पे ड्रॉप किया है, घर पे नहीं ले जा सकती क्योंकि घर पे भी तीन बच्चे हैं और बाकी और किसी जगह रख नहीं सकती हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इसको उसकी ही लोकेशन पे छोड़ना पड़ेगा। अभी जस्ट मैं घर पहुँची हूँ और ऑटो वाले भैया का हिसाब किया है, एक मतलब उनका ऐसे हो जाता है कि 5-6 चक्कर हुए फिर मैं हिसाब कर देती हूँ इकट्ठा, वो बोलते हैं कि इकट्ठा दे दिया करो।
और अभी मैं घर पे पहुंची तो विक्रम बोल रहा है कि ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, आप जब बैठोगे तो दालें ऑर्डर करनी है। मैंने कहा ठीक है, और मैं ये भूल गई फ़ोन करके बोलना कि मेरा पानी गर्म होने लगा दो, क्योंकि मैं अगर ठंडे में नहाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं घर पहुंच के नहाई हूँ और हुआ ये कि मैं ना पानी के लिए बोलना भूल गई थी कि गर्म पानी कर देना, तो मेरे को 15 मिनट घर से बाहर वेट करना पड़ा। एक्टिवा पे जाके बैठी तो गोलू भोलू आ गए मेरे को स्निफ करने के लिए, तो फिर मैं गई घर से दूर जहाँ पे बच्चे कोई भी ना हो, क्योंकि किसी का भी मुझे स्निफ करना ठीक नहीं था। सीधा फिर आई, आके नहाई और अब मैं खाऊंगी कुछ खाना, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई थी। मैं जस्ट एवं रैंडम गई थी उसे देखने की क्या पता मिल जाए, और वो बाई चांस मिल गया, तो मैं वहीं से डायरेक्ट निकल गई थी हॉस्पिटल। मेरा मन कर रहा है कि मैं बोल दूँ रोटी दे दो रे, लेकिन फिलहाल मन कर रहा है चाय पीने का, लेकिन चाय नहीं पीऊँगी मैं, डायरेक्ट खाना ही खाऊँगी। और मेरे को पेन भी होना स्टार्ट हो गया है। पहले मैं ना अंदर लेट गई थी खाना खा के, लेकिन मैं सोच रही मैं धूप में बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे ना ठंड काफ़ी लग रही है। जस्ट अभी थर्मामीटर से मैंने फीवर चेक किया तो 101 फीवर आया। दवाई तो वैसे मैंने ले ली, उतर जाएगा 1-2 घंटे में, लेकिन हमें ना एक पॉडकास्ट में भी जाना था आज 3 बजे करीब, तो मेरे को ये समझ आ रहा है मतलब कैसे जाएंगे। अभी ना मैं कुछ देर यहाँ धूप में बैठी, मेरे बाल भी सूख गए और मन नहीं कर रहा अभी यहाँ ज़्यादा बैठने का, क्योंकि धूप में बैठ के ना आलस सा आ रहा है, और मेरे पौधे भी टाइम मांग रहे हैं जो कि मेरे पास अभी है नहीं। मतलब मैं हूँ तो फ्री, लेकिन हिम्मत सी नहीं हो रही, तो सोच रही हूँ कि कल थोड़ा सा जैसे येलो हो जाते हैं पत्ते, थोड़ा सा ना कीड़ा लग रहा है, वाइट वो क्या बोलते हैं उससे, मिली बग लग गया कुछ पौधों में, तो उस पर स्प्रे भी करना है, तो कल करूँगी। अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब मैं अंदर जाके थोड़ी देर लेटती हूँ और रोहन से पूछती हूँ कि पॉडकास्ट अगर आगे हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आज ही जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली मेरा मकसद पूरा हुआ। मैंने रोहन का बोला कि रोहन अगर प्लीज़ स्किप हो सकता है ना तो स्किप करा दो पॉडकास्ट। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि रोहन की भी सेम कंडीशन है, वही फीवर, कोल्ड, कफ, थ्रोट सब। तो आज हम लोग नहीं जा रहे, शायद 1-2 दिन में जाएंगे, जब भी जाएंगे, लेकिन आज तो टल गया। और हालत इतनी ख़राब हो रखी है, ऐसे मन कर रहा है या तो बढ़िया बढ़िया से चाय पी लूँ जिससे एकदम गला ठीक हो जाए, कफ चला जाए, या फिर सूप बनवाऊँ। मुझे पता क्या हुआ, मैं बाहर से ना अंदर ही आके बैठ रही थी, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी देर सोना है, शाम से पहले नहीं उठूँगी, तो एक ना पौधे की ना डाली टूटी हुई थी, तो विक्रम ने देखा कि हाँ ये तो टूट गया दीदी। मैंने कहा हाँ मेरे को टूट गया, फिर से ध्यान आया कि मैं सामने खड़ी कर रहा, लेकिन अभी नहीं टूटा ही, ऐसे ना अभी नहीं टूटा ही, पहले का टूटा हुआ है। मैंने कहा हाँ तो मैं कौन सा तेरे को डांट रही हूँ, मुझे ये पता है पहले का टूटा हुआ है, मुरझा गया, अभी टूटा होता तो मुरझाता नहीं। फिर हाँ नहीं अभी नहीं टूटा। मैं रोहन का उसार कर, देख लो कितना खौफ है, सोचो पौधों के नाम का इतना खौफ लेके बैठे हुए, केयर कोई सा नहीं करता है, कोई केयर नहीं करता, कोई तमीज से निकलेगा नहीं, कोई ये नहीं कोशिश करेगा कि हाँ टूटे ना, लेकिन जब हाँ जब कुछ ऐसा सीन होगा तो ऐसे बिहेव करेंगे कि हम पता नहीं कितनी केयर करते हैं, हम कितना डरते हैं। मेरे को इन शॉर्ट मेरे को चुड़ैल बना के रखा हुआ है। ये देखो हमारे छोटू भाई साहब के कानों में आप गैप देख रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि मम्मा लेके बैठी हुई है ईयर क्लिनजर। पहले मैंने छोटू के कान साफ किए, आप लोग पूछोगे मेरे से कि कौन सी है, लिक्विड क्या है, अरे फोकस हो जा भाई। तो ये वाला लिक्विड है विरवैक का, और यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनकी सफाई चल रही है। अब नंबर है हमारे नाबू का, तो नाबू तो बड़े आराम से पढ़ के, इसने एक काम तो करा लिया, दूसरा भी करा लेगा बड़े आराम से पढ़ के। ये देखो ऐसे मैं करती हूँ साफ, ये इनकी ना सफाई चल रही है कानों की। और छोटू भी आराम से करवा लेता है, लेकिन छोटू उसके बाद में कानों में इतना ज़्यादा गैप ले आता है कि एकदम क्यूट आराम लगता है, ऐसे बिहेव करता है कि मेरे कानों में कुछ लगा दिया है, कुछ कर दिया है। ये देखो दोनों भाई मेरे साथ में लेटे हुए थे, मैं बाहर आई तो आके बाहर खड़े हो गए। और ये देखो ये लाइटें जब जल जाती है ना अंधेरे में अच्छी लगती हैं, अभी घर वाले में तो कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो कितनी क्यूट लगती हैं, और जब अंधेरा हो जाएगा ना और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। नाबू क्या सोच रहे हैं, हाँ क्या सोच रहे गुड्डा, इसको देखो, इसको छोटू राम को देखो, छोटू राम को। तो गाइस अभी पता क्या हुआ, डॉक्टर अनामिका भी आए और रोमियो के भाई आए, रोमियो को लेने आज वो 2 महीने बाद अपने घर गया, उसके पेरेंट्स फॉरेन गए हुए थे, ठीक है। तो डॉक्टर अनामिका आए, डॉक्टर अनामिका की आज थी डोसा पार्टी हमारे घर में, हमने डोसा खा लिया, बर्तन भी रख दिए, हम लोग बनाना भूल गए, अब वहाँ नसेंगे मुझ पे। मैडम कैसा था डोसा, रिव्यू दीजिए आप, कहाँ है, हम कैसे माने आपने डोसा खाया। हाँ विस्की कह रही है, बात भी करते रहो लेकिन साथ साथ में मसाज भी करते रहो।
तो हम कैसे बने, अब आप हमें बताइए हम कैसे बनेंगे एक उच्च श्रेणी के यूट्यूबर। जब मूवमेंट निकल जाता है तब हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, अपने आप एज्यूम कर लो। कभी कभी नहीं, हमेशा। कैसे होगा फिर ऐसे? इन लोगों का खाना भी टाइम से चला गया था। अभी नवाब और शहजादा खेल रहे विकास के साथ, ये देखो। तो वही नवाब साहब को घुमाने आई थी मैं, भाई साहब ने पूरा सेक्टर घूम लिया लेकिन पोटी नहीं की, बताओ। और तब मैं तब से मेरा मुंह देख रहा है कि कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे। अब मैं लेके आई हूँ तो कुछ किया नहीं, अब इसको घर छोड़ के फिर छोटू को लेके आ। नवाब तो मेरे को लेके तो गया, कर कुर के तो कुछ आया नहीं, बस सुसु सुसु करता जा रहा है, पोटी आई नहीं होगी इसको। आधी गैंग उधर भागी। ओ भाई साहब एक इधर, ये टाइगर कल्लो तो वैसे खड़ी रहेगी। और इधर अपने शहजादे भाई साहब, शहजादे को देखो, नहीं चाहिए यार किसी भी से। टाइगर रहने देना। बच्चों को मैंने वॉक भी करा दी और अब मैं जा रही हूँ टाइम से फीडिंग के लिए। और मेरे साथ ऐसा है कि अगर कुछ भी मौसम की नई बीमारी आनी है तो सबसे पहले वो यहाँ आएगी, चेक होगी, मैं पास करूँगी कि हाँ ये ठीक है, इसको ट्रेंडिंग में लाया जाए, फिर वो आगे स्प्रेड होती है। आज हमने विक्रम भैया को दे दी है छुट्टी, ये बैठेंगे बच्चों के साथ में, बच्चा पार्टी इधर, विक्रम की चेयर उधर, ये इन पे बैठ के नज़र रखेगा कि कैसे कैसे खेल रहे। देखो वो उसने ले ली अपनी जगह, वो देखो अभी बैठेगा अभी अभी। ये वाली जल क्यों नहीं रही लाइट? चार्ज नहीं हुई। तो भाई हम तो निकल गए फीडिंग पे, कुछ बच्चे तो मिले अभी। अभी मैं पहुंच गई हूँ मिर्चा वाली जगह, मिर्चा को आवाज़ दे रही हूँ और मिर्चा आ नहीं रही है। और मेरे को मूवी का नाम याद आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिद्दी, जिद्दी मूवी है वो। ऐसे स्कार्फ पहन के रखता है सनी देओल और उसका ये वाला हुकअप स्टेप बहुत ज़्यादा फेमस है डांस वाला, जो कि वो कुछ है नहीं डांस स्टेप, लेकिन वो हुकअप स्टेप बन गया था। सॉरी हुकअप नहीं, हुक स्टेप। हाँ हुकअप तो कुछ और ही होता है। मेरे को लग रहा है मेरे को बुखार सर में चढ़ गया। ये दीदी मिल गई थी हमें तो इनके लिए खाना रख दिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं मिर्चा को फैमिली को ढूंढने। यहाँ पे खाना रखा हुआ है, देखो वो चाचा भाग गया। इसको देखना पागल लड़की, देखना पागल ही कहेंगे ना इसे। इसके इसको मैं खाना खिलाने के लिए आई हूँ और इसको 10 बार बोल चुकी हूँ। बेचारे दो बच्चे खाना खा रहे हैं, इधर मैं कर रही हूँ स्मूथ फीडिंग इनसे बचा के, क्योंकि ये और ये इतने हरामखोर, इतने बदतमीज बच्चे हैं ना, मतलब इनको ना खुद चाहिए, बस इनके पेट में चाहिए हर किसी का खाना, ठीक है। और ये जो इसकी शक्ल है इसे बिल्कुल मत जाना, ये जो इसी भोली सी शक्ल बनाते हैं। ऐसा है, शांति से और प्यार से खा लो, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तो वही फीडिंग करा के सीधा घर, और बस नवाब और शहजादे को खाना खिला के और उसके बाद में सोना है अपने को, और ये स्कार्फ भी तो निकालना है। अब मैंने तो ऐसे इतनी मतलब ज़बरदस्त वाली सर्दियाँ डिक्लेयर कर दी है जो दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। एक्चुअली मेरे को फीवर है और कोल्ड है, तो कोल्ड की वजह से ना मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और चढ़ भी रही है हाथों से, तो मैं अच्छे से पैक होके जाती हूँ। और इधर को छोटू आ गया, खाना हाथ में देखते ही छोटू आ गया। तो गाइज अभी हो गया सोने का टाइम, बस कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।